क्या
क्या फायदा जो ओछो की संगत विरंगत है लेता नहीं सजनों को है सम्मान देता जो ओछो की संगत विरंगत है लेता नहीं सजनों को है सम्मान देता भलाई में पीछे बुराई में आगे कहो किस तरह उसे सौभाग जागे ये मन दुर्गुणों का अगर कोश है तो जीने का क्या फायदा ये मन दुर्गुणों का अगर को है तो जीने का क्या फायदा नहीं जिंदगी का अगर होश है तो जीने का क्या फायदा नहीं बन जीवन ये निर्दोष है तो जीने का क्या फायदा तो जीने का क्या फायदा Oh,
कि जब पुण्य क्षीण होगा और कंफर्ट्स दूर होंगे तो हम दुखी हो जाएंगे, और जब दुखी होंगे तो पुनः इन कंफर्ट्स को, इन साधनों को प्राप्त करने के लिए हम कुछ ना कुछ कार्य करें, उचित या अनुचित। और जब नया कर्म फिर से करेंगे तो फिर समय आने पर ये भोग तो मिलेंगे परंतु फिर फंस जाएंगे। फिर जब पुण्य क्षीण होने लगेगा हम फिर और साधना करेंगे, सिर्फ इसी उधेड़ बुन में हमारा संसार परिभ्रमण बढ़ता चला जाए। और उन्हें विचार आया कि हमें इन भोगों के अंतिम परिणाम को दृष्टि में रखते हुए इनमें उलझना नहीं बल्कि इनका त्याग करना। और त्याग की भावना जब आई तो जिनेंद्र भगवान के शासन को, मार्ग को उन्होंने स्वीकार किया। यह शब्द आ रहा है जिनेंद्र। जब कभी स्थानकवासी परंपरा के लोग, दिगंबर मान्यता के लोग भी एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे जय जिनेंद्र, और हमारी मूर्ति पूजक संप्रदाय में इधरले साइड में जय जिनेश्वर जी बोला जाता है। भले आप जिनेश कहो, भले आप जिनेश्वर कहो, भले आप जिनेंद्र कहो, भले आप जिनवर कहो, परंतु इस जिन जिनेंद्र शब्द से ही हमारा शब्द बना है जैन। कौन सा बना है? कोई बहुत लंबी चौड़ी पुरानी हिस्ट्री नहीं है, परंतु पहले भगवान के समय में हर श्रावक के लिए श्रमणोपासक शब्द आता। कौन सा आता था? जो श्रमण अर्थात साधु भगवंतों की उपासना, उनके समीप जाकर के ज्ञान ध्यान सीखता और तन से दूर होने पर भी मन से उनके समीप रहता, उसको क्या कहा जाता? श्रमणों पर। परंतु समय के साथ साथ कुछ व्यवस्थाएं ऐसी बनी कि संप्रदायवाद अन्य मतों में भी जोर देने लगा, और समय आया कि सब अपनी अपनी कम्युनिटी को स्टैंड करने के लिए फ्यूचर को नज़रअंदाज ना करते हुए उन्होंने अपनी अपनी कम्युनिटीज कास्ट के रूप में कन्वर्ट करी। और देखा जाए जैन किसे कहते हैं? जैन शब्द बना है जिन से। किससे बना है? और जिन को फॉलो करने वाला जैन है। अब प्रश्न आता है जिन कौन होते? जिन ठाणंजी सूत्र के अनुसार तो तीन तरह के जिन देव होते। कितनी तरह के? पहला अवधि ज्ञानी जिन, दूसरा मन परेव ज्ञानी जिन, और तीसरा केवल ज्ञानी जिन। अभी तक हम सब ने तो यही सुना होता है जो तीर्थंकर भगवान या केवली भगवान है वही जिन देव होते, परंतु ठाणंग जी में क्या आया? अवधि ज्ञानी जिन, मन परेव ज्ञानी जिन और केवल ज्ञानी जिन। तो पहला टॉपिक है हमारा अवधि ज्ञानी। यह अवधि ज्ञान क्या होता है? अवधि का मतलब होता है एक मर्यादा। अव उपसर्ग है और दो धाया धारण पोषण धातु है, और उपसर्ग घो की ग्रामेटिकली संस्कृत के रूल्स में चले तो की उपसर्ग है जिससे शब्द निष्पन्न होता है, और अवधि का अर्थ है मर्यादा, एक लिमिट, एक बाउंड्री। और जिसे अवधि ज्ञान है, और अवधि ज्ञान क्षायोक्षमिक लब्धि है। क्षायोक्षमिक का मतलब है कुछ कर्म क्षीण है और कुछ कर्म क्षांत है। जैसे आपके सामने एक पर्दा है और उस पर्दे में यदि थोड़ा सा एक साइड से कपड़ा फटा है और उसके आगे एक धुंधला सा पर्दा और है, और अवधि ज्ञान में आप
तीन तरह का अवधि ज्ञान है। आचार्य अकलंक जी एक जैनाचार्य हुए, उन्होंने फरमाया एक है देश अवधि, एक है परम अवधि और तीसरा है सर्व अवधि। देश अवधि का मतलब है कि आप एक थोड़े से उंगल का असंख्यात्मक भाग क्षेत्र देख सकते, उत्कृष्ट है पूरा लोक प्रमाण, कितना जितना ये हमारा लोक है वह सारे का सारा हम देख सकते हैं, जिसमें धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, आकाशास्तिका है, काल जीवास्तिका है, पुद्गलास्तिका है, ये विराज रहे। भले धर्मास्तिका आदि में रूप रंग नहीं है, उनको हम नहीं देख पाएंगे, परंतु जो पौद्गलिक वर्ण गंध रूप और रस से युक्त है उनको तो हम देख सकते हैं। और देखा जाए इसमें पहले वाले ऑप्शन में आप इस लोक को देख सकते हैं, परंतु जब परम अवधि ज्ञान होता है वो जघन्य मिनिमम पूरे लोक तो को देखता है और उत्कृष्ट से ऐसे लोक जैसे यदि असंख्यात लोग और भी उसको देखने होते तो देख लेता, परंतु अलोक में देखा जाए धर्मास्ती अधर्मास्ती का आदि नहीं है, जिसके कारण वहाँ पुद्गल की गति नहीं है। यदि पुद्गल नहीं है तो देखोगे किसको, परंतु यह उसकी योग्यता को डिफाइन किया है, बताया है, उसमें योग्यता इतनी प्रकट हो जाती है। यदि और भी ऐसे लोग होते और उनमें पदार्थ विद्यमान होते तो वह यहाँ बैठे बिना इंद्रियों की सहायता डायरेक्ट आत्मा से उन्हें देख सकता। और सर्व अवधि है परम अवधि से भी और ज्यादा। और हमने यह सोचना है अवधि ज्ञानी कितना देख सकता है, आज प्रेजेंट काल को तो देख ही सकता है, पीछे चला जाए तो असंख्यात उस सर्पणी अवसर्पणी काल और भविष्य के भी देख सकता है। आप कहोगे महाराज इससे तो नियति वाद सिद्ध हो गया, सब कुछ पहले से डिस्टाइंड है, उसने कैसे जान ली। परंतु ध्यान देना, जैनिज्म का जो नियतिवाद है वह सहेतुक नियतिवाद है, निर्हेतुक अहेतुक नहीं। सहेतु मीन्स उसके पीछे रीजन रहेगा, रीजन है तो उसके सामने कोई ना कोई कार्य होगा। यदि नीचे आग है, धुआं दिख रहा है, इट मीन्स वहां आग है। और जैन मान्यता में यदि कहीं नियतिवाद आता है तो बिना हेतु का नियतिवाद नहीं, ये नहीं है जो होना है सो होना है, यदि कहीं कुछ होना है उसको तभी होना है। उसके लिए हमारे जिन मत में पुरुषार्थवाद को भी साथ रखा, बिन पुरुषार्थ के आप आगे नहीं बढ़ सकते। यदि पूर्व की नियति भी, पूर्व का भाग्य भी आपने बनाया है तो वो भी आपने अपने पुरुषार्थ से बनाया है, किससे बनाया है। और किसी का भाग्य थोड़े पराक्रम से, पुरुषार्थ से, स्ट्रगल से, मेहनत से खिल जाता है और किसी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अवधि ज्ञानी भूतकाल को भी बहुत देख सकता है, भविष्य काल में भी बहुत कुछ देख सकता है। और आगे बढ़े तो अवधि ज्ञानी एक पुद्गल की छोटी से छोटी संख्यात पर्यायों को उनको देख सकता है और अनंत पर्यायों को भी देख सकता है। अब अनंत का मतलब केवल ज्ञानी के पैरेलल इक्वल नहीं, परंतु उससे कम, क्योंकि केवल ज्ञान सबसे श्रेष्ठ और निरावरण ज्ञान है और वहाँ पर तो किंतु परंतु किसी तरह का है ही। तो पहली तरह के जिन कौन होते हैं, अवधि ज्ञानी जिन। दूसरी प्रकार के जिन होते हैं मन परिज्ञानी जिन। मन का मतलब है हमारे विचार, विचार कहाँ उठते हैं, भले एक द्रव्य मन एक इंस्ट्रूमेंटल रूप में मान सकते हैं, और भाव मन देखा जाए तो हमारी अपनी आत्मा की ही वो शक्ति जो परिणत होकर के हमारे विचार में योगदान देती है। और जो किसी सामने वाले के मन में चल रहा है, वो चिंतन सोच रहा है, मन परिज्ञानी। मन का मतलब है आपका जो चिंतन का बैंक है,
और पर्यव का मतलब है परि अव, अव कहते हैं गमन को, और मन में जो चीजें गमन कर रही है, मीन्स जो जो मूवमेंट्स उसके विचार उनमें किसी तरह की उथल पुथल चल रही है, उसका ज्ञान जिसे हो जाता है कि इसके मन में क्या चल रहा है, उसे क्या कहा जाता है? मना पर्यव। आजकल बहुत से फेस रीडर्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स मोस्टली आपके चेहरे को देख करके, आपके कुछ लक्षणों को, आप कैसे बैठे हो, आपको बहुत कुछ अपनी स्टडी अपने एक्सपीरियंस से आपको बता देते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा ऐसा हो, परंतु वह मन पर ज्ञान नहीं है। वो आपका मति ज्ञान हो सकता है, परंतु मन पर ज्ञान एक बहुत विशुद्ध दशा है, जिसमें आकर के आप सामने वाले के मन के भावों को ऐसे देखते हो जैसे आप एक स्क्रीन पे सारा प्रोग्राम देख लेते हो, इसके मन में क्या क्या हो रहा है। अवधि ज्ञानी भी मन के भावों को जान सकता है। आप कहोगे फिर मन पर ज्ञान अलग क्यों रखा? तो वहां पे उत्तर आता है, जिस तरह से आपके सामने आप एक्सरे मशीन के आगे गए और एक्सरे वाले ने या एमआरआई वाले ने आपको रिपोर्ट दे दी, अब आप उस रिपोर्ट को तो देख सकते हो, कुछ अंदाजा लगा सकते हो, परंतु जो पूरी क्लासिफिकेशन है, पूरी तरह से जो खोल के बताएगा, वो कौन बताएगा? वो तो डॉक्टर बताएगा। अवधि ज्ञानी भी कुछ जजमेंट अपने अनुमान से कर सकता है, परंतु जो क्लैरिटी मन पर ज्ञानी में होती है, वो अवधि ज्ञानी में नहीं होती। अब जिसके पास मन पर ज्ञान है उसे भी जिन कहा जाता है, परंतु हम तीसरी प्रकार के जिन की ओर चल रहे हैं। तीसरे जिन कौन से हैं?